तो देखा गाइस, इस तरीके की अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों उसके लिए पहले है आपको इस तरीके की शूटिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप ये वीडियो देखें पूरे, तो इसमें आपको सारा कुछ दिखाऊंगा मैं, और आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो दोस्तों चलो मैं दिखाता हूँ बना के कि किस तरीके से हमने ये वीडियो एडिट करनी है और किस तरीके से कंप्लीट करनी है। देखो ये जो सामने दिख रहा है डंडा, तो गाइस इस तरीका की इसकी जगह की हम अब एक वीडियो शूट करने जा रहे हैं, और किस तरीका से हम इस वीडियो में इस दीवार के अंदर जो गायब होंगे देखना वीडियो। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि पहले हम शूटिंग करते हैं। तो दोस्तों हमने शूटिंग करने के लिए फ़ोन रख दिया, देखो यहाँ पे। तो गाइस इस तरीका से हमने फ़ोन रख दिया है इस तरीका से। तो गाइस आप अच्छी तरह देखना और इस तरीका से फ़ोन रख कर, और गाइस हमें जो अब जो गायब होना है वो कौन से डंडा लकड़ी। तो गाइस हमारे पास में ये लकड़ी आ चुकी है, देखो यहाँ की, और अब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा कैमरा इधर थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, क्योंकि आपको ये पूरी तरीके से दिखा गया डंडा इस तरीका से। तो गाइस अब मैं जा रहा हूँ डंडे की तरफ। तो गाइस हमारा एक सीन का जो शूट हो चुका है, तो अब हम दूसरा सीन करते हैं, क्योंकि जो इस दीवार में जो हम मतलब घुस नहीं पाएंगे, और इससे हमें देखना क्या मतलब कोई जानवर वगैरह मतलब एनिमल्स लगाएंगे इसमें। तो चलो चलते हैं। तो गाइस देखो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, और हम इस वीडियो को हम एडिटिंग करते हैं, और एडिटिंग करने के बाद दिखाएंगे। और इस वीडियो में मैं सारा बताऊं कि इस तरीका से ये वीडियो एडिट करनी जाएगी, और इस तरीका से आप भी एडिट करके और आप भी चैनल पर डाल सकते हो, और इससे क्या होगा आपके अच्छे खासे फॉलोअर बढ़ेंगे, और दोस्तों आपकी चैनल पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे। और देखना आप दोस्तों इसी वीडियो को मैं कंप्लीट कर कर दिखाऊंगा चैनल पर, और इस चैनल पर ही डालूंगा। और देखना इस वीडियो को किस तरह मैंने एडिट करी है, आप भी इसी तरीका से वीडियो को एडिटिंग करके और अच्छी तरीका से आपको इस तरीका से वीडियो शूट कर कर, और तो दोस्तों आप भी अपने चैनल पर डाल सकते हैं, और अच्छी खासे आपके व्यूज आएंगे। तो चलो चलते हैं, इसको पहले एडिटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए, और मैं अभी इसको एडिटिंग करके दिखाता हूँ, और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़े, और दोस्तों मैं लाइव आऊँगा 6 बजे, आप सभी देखिएगा।